हेलो एवरीवन एंड दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में काफी दिनों बाद आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स लेकर। मुझे कुछ स्ट्रेसजी हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं वीडियो कोशिश करूंगा रेगुलरली डालने के लिए। लेकिन आप लोग एक काम किया करिए कि आप लोग सोचते हो सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वीडियो जितना जल्दी से आप देखोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हमारे वीडियो को इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने वॉच किया है। जैसे क्या करते हो आप लोग, एक दो लोग देख लेते हो तो उससे मुझे लगता है कि अभी दो ही तीन लोग देखे हैं और ज़्यादा लोग देखे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना वीडियो अगर नहीं आप देखोगे तो मैं नए वीडियो कैसे डालूंगा। इसलिए कोशिश ये किया करिए कि जल्दी से जल्दी वीडियो को वॉच किया करिए और वीडियो को वॉच करने के बाद अपने खूब फ्रेंड लोग के पास शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए, हम जैसे इससे पहले आप बता रहे थे पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड में हमने अक्षय परत के बारे में बेटा आपको बता दिया था। अक्षय परत क्या होता है बताए थे हम। अक्षय परत पीएन संधि डायोड में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं। चलनशील आवेश वाहक का मतलब है कि अक्षय परत के भीतर ना तो कोटर पाया जाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हमने बेसिक में अभी बात किया था पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर पाए जाते हैं और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने बात किया था जैसे ही पीएन संधि बनकर तैयार होती है कुछ समय बाद क्या होता है। देखो, जब पी और एन टाइप संधि जुड़ती है, पी और एन टाइप अर्धचालक दोनों आपस में जुड़ते हैं, तुरंत पीएन संधि बनकर जो होती है वो तैयार हो जाती है। तुरंत पीएन संधि बनकर क्या होती है, वो तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पीएन संधि बनकर तैयार होती है उसमें क्या होता है, पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, संयोग करने लगते हैं। और संयोग करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इनका जो संयोग यानी इनका जो मिलन है वो रुक जाता है। तो ये बात आती है कि इनका जो संयोग हो रहा था वो रुक क्यों गया। जब रुकता है हम जान लेते हैं कि जो एक लेयर बन गई है, एक दीवार बन गई है जो इलेक्ट्रॉन और कोटरों को संयोग करने से क्या कर रही है बेटा, रोक रही है। और उसी दीवार को या उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अक्षय परत कहते हैं। और अक्षय परत जब बनकर तैयार होता है तो अक्षय परत में ही एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा जो होती है वह एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। हमने बताया था जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा उसकी दिशा जो होती है किधर से किधर होती है, एन क्षेत्र से जो होती है पी क्षेत्र की ओर होती है। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। हमने बताया था विभव प्राचीर के बारे में हमने बताया था। जर्मेनियम के लिए हमने विभव प्राचीर का मान बताया था 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए हमने बताया था 0.7 वोल्ट, ऐसे लगभग बताया है। तो अब हम शुरू करते हैं कि पीएन संधि डायोड को कितने प्रकार से बैटरी से जोड़ा जाता है। तो जनरली पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पीएन संधि डायोड को बैटरी से बेटा कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, दो प्रकार। ये फिगर को भी जाने दीजिए, मैं समझाऊंगा भी क्या है ये चीज। पहले आप मेरी बात को समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला प्रकार जो होता है वह होता है अग्रभिनत। पहला प्रकार होता है आपका अग्रभिनत, अग्र अभिनत। क्या कहते हैं इसको, अग्र अभिनत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। और दूसरा प्रकार होता है इसका पश्च अभिनत, पश्च अभिनत। किसी किसी किताब में उत्क्रम अभिनत भी दिया होगा तो घबराना नहीं। एक टाइप हो गया अग्र अभिनत, दूसरा टाइप हो गया पश्च अभिनत। आइए हम समझ लेते हैं पश्च अग्र और पश्च अभिनत क्या होता है। सिंपली ध्यान दीजिए, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को जब बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के जो बैटरी का कनेक्शन होता है उसे अग्र अभिनत कहते हैं। और जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसे हम पश्च अभिनत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अग्र अभिनत में पी क्षेत्र को हम धन से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को हम ऋण से जोड़ते हैं, इसलिए यह बायसिंग क्या कहलाएगी आपकी, अग्र अभिनत बायसिंग कहलाएगी, अग्र अभिनत बायसिंग कहलाएगी। और इसी प्रकार से पश्च अभिनत में क्या होगा, जब 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 पश्च अभिनत में क्या होगा, जब
पी क्षेत्र को हम बैटरी के रि टर्मिनल से जोड़ दें और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस प्रकार के बायसिंग को हम क्या कहते हैं, पश अभिनत कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में वैद्युत चालन, देखिए स्पीकर को देखिए, ये आपका पूरा पीएन संधि बनकर तैयार है। इस पीएन संधि को बेटा आप देख लीजिए, हमने अग्र अभिनत की बात की, इस पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को हमने क्या किया है, बैटरी का देखिए धन टर्मिनल से, धन से जोड़ा। पी क्षेत्र को हमने किससे जोड़ा, ये देखिए तार है, ये वायर है, इस तार के थ्रू हमने किससे जोड़ा, धन से। और एन क्षेत्र को हमने किससे जोड़ा, रीड से जोड़ दिया है, रीड है छोटा वाला जो टर्मिनल होता है, छोटी वाली जो लाइन होती है, मतलब जो छोटा वाला होता है उसको हम रीड टर्मिनल बोलते हैं। तो बैटरी के पी क्षेत्र को धन से और एन को हम किससे जोड़ दिए, रीड टर्मिनल से जोड़ दिए। अब चलिए हम बात करते हैं वैद्युत चालन में। तो देखिए जैसे ही पीएन संधि अग्रदिशित की जाती है, मेरी बात समझना, जैसे ही पीएन संधि अग्रदिशित की जाती है, अग्रदिशित शब्द अगर मैंने बोल दिया, इसका सीधा सा मतलब है पी को धन से और एन को किससे, रीड से जोड़ा जाएगा। इतना आप तुरंत दिमाग लगा लीजिएगा। जब मैं बात करूंगा पी अग्रदिशित क्या है, जैसे ही पीएन संधि डायोड को अग्रदिशित किया जाता है बेटा, तो आप देख रहे हो ये पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को हमने बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा है, धन से जोड़ा है। और आपको पता है यह क्वार्टर का जो नेचर होता है बेटा, यह भी धनात्मक नेचर होता है। क्वार्टर प्रकृति में कैसा होता है, धन होता है। बैटरी का धन और क्वार्टर धन, ये दोनों एक समान प्रकृति के हैं, मतलब बैटरी भी धन है और क्वार्टर भी धन है, इसलिए कूलाम के नियमानुसार इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि धन और धन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस बैटरी के कनेक्शन के कारण ये जो क्वार्टर है ये इधर की तरफ गत करेगा, इधर की तरफ नहीं आएगा। अगर इधर की तरफ आता तो इनमें आकर्षण होता, और आकर्षण इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैटरी भी धन है और क्वार्टर का भी नेचर क्या है, धन है, इसलिए संधि की तरफ गत करेंगे, ये हमने डायरेक्शन दिखाया है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हमने, मतलब कि यंग क्षेत्र को हमने जोड़ा है रि टर्मिनल से, और आपको पता है एन क्षेत्र में अधिकतम मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है ऋणावेशित नेचर होता है। वैसे ही यह रि टर्मिनल जो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, और ढकेलेगा मतलब एक साथ ये कह सकते, ये तो देखिए अभी दीवार बनी है, ये अक्षय परत वाली दीवार आप समझ लीजिए बनी है, लेकिन ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ गत कर रहा है, इस अक्षय परत के ऊपर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस अक्षय परत के ऊपर इतनी ताकत लग जाएगी कि अक्षय परत की जो लेयर है वो टूट जाएगी। जब लेयर टूट जाएगी उस स्थिति में क्या होगा, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, पुनः संयोग करने लगेंगे। पुनः संयोग कब किए, ये जब बैटरी से आपने जोड़ा तब, जब बैटरी आपने बाहर से लगाई तब, और जब बैटरी नहीं लगी थी तो इनमें एक अक्षय परत था जिस कारण ये आपस में संयोग नहीं कर पा रहे थे। अब ये क्या करेंगे, संयोग करते रहेंगे, लेकिन आप ये बताइए क्वार्टर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और क्वार्टर इलेक्ट्रॉन मिलकर परस्पर क्या हो जाएंगे बेटा, उदासीन हो जाएंगे, उदासीन मतलब विलुप्त हो जाएंगे। पी क्षेत्र के क्वार्टर इधर जाएंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और दोनों एक दूसरे से संयोग करके परस्पर क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और जब विलुप्त होंगे तो पी क्षेत्र में क्वार्टरों का कंसंट्रेशन और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये है भाई, जब संयोग करेंगे, संयोग करके विलुप्त होंगे, तो ये बताइए पी क्षेत्र से क्वार्टरों, पी क्षेत्र में क्वार्टरों की कमी होगी और एन क्षेत्र में क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। इन्हीं कमी को बैलेंस करने के लिए जब क्वार्टर इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं इसी पी क्षेत्र के समीप कहीं यहाँ पर एक सह संयोजक बंध टूटता है, क्या टूटता है, एक सह संयोजक बंध टूटता है। और आपको पता है सह संयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक सह संयोजक बंध बनता है। तो जैसे ही इनका संयोग होगा, इधर इस संयोग हो रहा है, यहाँ पर एक सह संयोजक बंध टूट जाएगा,
सहसंयोजक बंध के टूटने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो अब देखिए, यहां मान लीजिए एक सहसंयोजक बंध यहां टूट गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां बाहर निकल गया। अब यहां पर एक खाली स्थान छूट गया, मतलब क्वार्टर छूटा। अब यहां सहसंयोजक बंध अगर टूटेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और एक क्वार्टर बनेगा। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन यहां है बट पी क्षेत्र के समीप सहसंयोजक बंध टूटा है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध टूटेगा और सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, तुरंत यह इलेक्ट्रॉन इस धन टर्मिनल के द्वारा खींच लिया जाएगा। क्यों खींच लिया जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर ऋण और बैटरी का नेचर धन, तुरंत क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा। और जो सहसंयोजक बंध के टूटने से जो क्वार्टर बना है वह बैटरी के धन टर्मिनल के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें धकेल दिया जाएगा। मतलब एक एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन का जब संयोग हुआ, पहले यह सपोज करो कि एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन का जब संयोग हुआ तो यहां पर एक क्वार्टर की कमी हुई, यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तुरंत यहां एक सहसंयोजक बंध टूटा। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए सहसंयोजक बंध से जो टूटा इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के थ्रू यहां पहुंचेगा और फिर प्रेरण द्वारा इस ऋण टर्मिनल से होते हुए इलेक्ट्रॉन इस ऋण टर्मिनल से होते हुए इस तार से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और पिच यहां जो सहसंयोजक बंध टूटा था और यहां जो क्वार्टर उत्पन्न हुआ था वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब क्वार्टर इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे तो पी क्षेत्र में क्वार्टरों की कमी होगी और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए पी क्षेत्र के समीप एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। इस सहसंयोजक बंध से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, टूटने से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू धन टर्मिनल में जाएंगे, फिर धन टर्मिनल से प्रेरण द्वारा यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर, ऋण टर्मिनल की तरफ। फिर यह ऋण टर्मिनल क्या करेगा, इस ऋण टर्मिनल के तार से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एन क्षेत्र में। इस प्रकार जो होगी पूरी तरीके से प्रक्रिया क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ये बैटरी का कनेक्शन लगा होगा। और इस परिपथ में अग्रदिशिक होने के कारण एक धारा बहेगी जिसकी दिशा जो होगी वो किधर होगी, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होगी। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा किधर है, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। और जिधर इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होती है उसके विपरीत वैद्युत धारा की दिशा होती है। ये था आपका क्या, वैद्युत चालन अग्रदिशिक में, यानी जब बैटरी को हमने अग्रदिशिक किया तो इस तरीके से है। क्लियर हुआ आपको, कनेक्शन समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड पश्चिम दिशा के रूप में। तथा इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने आपको बता दिया कि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक में उसका वैद्युत चालन कैसे होता है। अब मैं अग्रदिशिक के ही ऊपर एक हेडिंग और बताऊंगा, पीएन से हेडिंग डाल सकते हैं आप, पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होने पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जवाब ये लिखेंगे तो ये भी करना होगा। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होने पर अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ, या ऐसे लिख सकते हैं अग्रदिशिक होने पर अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफीय निरूपण। चलिए कुछ बेसिक बारे में बात करते हैं। हमने बताया था स्टार्टिंग में जब आपका पीएन संधि बनकर तैयार होता है उस समय बाद क्वार्टरों और इलेक्ट्रॉनों का संयोग क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद क्यों होता है, क्योंकि आपको बताया था बंद इसलिए होता है क्योंकि संधि के दोनों तरफ एक अवक्षय परत बनकर तैयार हो जाता है। और अवक्षय परत जैसे ही बनता है एक वोल्टेज डेवलप होता है अवक्षय परत के बीच में एक वोल्टेज मतलब एक विभवांतर डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। और इसी विभव प्राचीर के कारण ही इलेक्ट्रॉनों और क्वार्टरों का संयोग क्या हो रहा था, रुक गया था। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन क्वार्टर संयोग नहीं करेंगे तो धारा का निर्माण नहीं होगा। तो ये बताइए, जब आपने पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र को धन से जोड़ा और एन क्षेत्र को ऋण से जोड़ा, जोड़ने का मतलब अग्रदिशिक आपने किया, तुरंत धारा बहना शुरू हो गई, या ऐसा तो है नहीं कि
ऐसा तो है नहीं कि कोई दीवार खड़ी है खली को देख के अपने आप गिर जाएगी। जब तक खली उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो दीवार ना तो गिरेगी ना तो टूटेगी। देखने से अगर कोई गिर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। वही चीज यहाँ पे है, ये जो अवक्षय परत पहले से बनी, जब हमने इसको अग्रदिशित किया, जब हमने इसको अग्रदिशित किया, बैटरी के कनेक्शन को जोड़ दिया, और जब तक मैं बैटरी को ऑन नहीं करूंगा तब तक ये दीवार खत्म नहीं होगी। और ऑन करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऑन करते ही गिर जाएगी, इस वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और कब तक बढ़ाएंगे? जब तक विभव प्राचीर के वोल्टेज के मान क्या है बराबर नहीं हो जाएगा। ये जो बाह्य बैटरी आपने जोड़ा है, जब यह विभव प्राचीर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा उस स्थिति, मतलब इसकी ताकत विभव प्राचीर, इस बाह्य बैटरी की ताकत जब विभव प्राचीर के उत्पन्न वोल्ट, विभव प्राचीर के वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, तब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज, ये बाह्य वोल्टेज ज्यादा होगा, तुरंत क्या करेगा ये पटक देगा किसको, अवक्षय परत को, या विभव प्राचीर वाले वोल्टेज को खत्म कर देगा। और जैसे ही विभव प्राचीर का वोल्टेज खत्म होगा तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और कोटरों का संयोग पुनः स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जब जैसे ही पीएनएन डायोड में बाह्य बैटरी को जोड़ा जाता है उस समय धारा, आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले 0.1 करते हैं फिर 0.2 करते हैं, इस स्थिति में जो धारा होती है धीरे धीरे अरैखिक रूप से, धीरे धीरे अरैखिक रूप से बढ़ती है। डायोड में यह व्यवहार ओए द्वारा दिखाया गया। देखिए डायोड में धारा के बढ़ने का यह ग्राफ जो दिखाया गया किससे दिखाया गया, ओए द्वारा दिखाया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे ए पे अचानक, ए पे जैसे ही, ए पे कितना वोल्टेज है, 0.3 वोल्ट है। और आपको पता भी, यहां लिख सकते हो, ये जर्मेनियम के लिए है, जर्मेनियम के लिए डायोड है, जर्मेनियम के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जर्मेनियम का विभव प्राचीर कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो ये कहा गया जैसे ही ये अग्र वोल्टेज 0.3 वोल्ट पे पहुंचा, तुरंत आपने देखा धारा का मान एकाएक बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जैसे ही बाह्य वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट के पहुंचा, उस समय ये जो विभव प्राचीर के भी वोल्टेज कितना था, 0.3 वोल्ट था, और बाह्य वोल्टेज भी 0.3 वोल्ट पहुंच गया। तो आपको पता है दोनों की ताकत क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। अब जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज आगे होगा, मतलब अग्रदिशिक वाला वोल्टेज जैसे ही थोड़ा सा आगे होगा, यानी 0.3 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, तुरंत क्या होगा, विभव प्राचीर खत्म, अवक्षय परत खत्म, तुरंत ये मुक्त हो जाएंगे। क्वार्टर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होंगे, संयोग करेंगे, और इतनी मात्रा में संयोग करेंगे कि धारा अचानक बढ़ जाएगी। और क्योंकि भाई एक क्वार्टर, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक क्वार्टर इलेक्ट्रॉन ही संयोग करते हैं, इनमें लगातार संयोग करते रहते हैं, जिस कारण धारा का मान क्या होता है बेटा, एकाएक बढ़ जाता है। इसीलिए धारा का यह व्यवहार ए बी दिखाया गया है, ये ए से यहाँ से ए बी दिखाया गया है। यानी ध्यान देना, ओ से ए तक अरैखिक रूप से बढ़ रही है और ए से बी में अचानक बढ़ रही है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक होने पर जब धारा अचानक बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर, उस अग्र वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं जानू वोल्टेज। क्या कहते हैं? जानू वोल्टेज कहते हैं, जानू या नी वोल्टेज कहते हैं। क्लियर हो गया? ये ग्राफ आप बना लीजिए, आई होप आपको पूरा ग्राफ समझ में आया होगा। ग्राफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये थोड़ा सा जो मैंने बताया इसी को आपको लिखना है, मैं नोट्स भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा, उसी से आराम से लिख लीजिए, बस बातें समझिए मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड में। पीएन संधि डायोड को हम पश्चिशिक देख कर जोड़ के करते हैं, क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ाने में, क्योंकि अग्रदिशिक बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड पश्चदिशिक में वैद्युत चालन। पीएन संधि डायोड का पश्चदिशिक में वैद्युत चालन, कुछ नहीं करना है, बस बैटरी के कनेक्शन को उल्टा कर देना है। पहले आप देखिए, जब पीएन संधि डायोड को बेटा पश्चदिशिक किया जाता है तो पश्चदिशिक स्थिति में जो आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है आप देखिए जरा, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई की सहायता कर रहा है। यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई की क्या कर रहा है, सहायता करने का मतलब यह है कि अब ये जो दीवार थी अवक्षय परत की, इस अवक्षय परत की दीवार को ये क्या कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है, बल्कि इसकी मदद कर रहा है कि आप और बड़ा हो जाए। क्यों, कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए हमने क्या किया, पी को किससे जोड़ा, पी को जोड़ दिया ऋण से, और एन को जोड़ दिया किससे, धन से। तो आपको पता है क्वार्टर का नेचर होता है धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है ऋणावेशित। अब हमने P को जोड़ दिया किससे, ऋण से,
ये जो क्वार्टर होंगे ये संधि की तरफ ना जाकर किधर की तरफ आएंगे, इस बैटरी के रिटर्मिनल की तरफ आएंगे, मतलब ये संधि के संधि से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि बैटरी का कनेक्शन ही ऐसा किया गया है जिस कारण संधि से दूर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, यह भी संधि से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि इसको धन से जोड़ा गया। और आपको पता है ऋण और धन एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये ऋण इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रहा है, जिस कारण संधि से इलेक्ट्रॉनों और क्वार्टरों का, जो क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन है, इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब घटने का मतलब हट रहे हैं। और जब हटेंगे, ये दीवार जो पहले पतली थी ये थोड़ी और चौड़ी होगी। क्यों चौड़ी होगी? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमी बैटरी क्या करती है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई की सहायता करती है। और आप इसमें यही बता सकते हो भाई, सहायता करी रही है। आप देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे है, आंतरिक वैद्युत बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वाली डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन कैसे है, धन से ऋण की तरफ है। और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन कैसे है, इधर से इधर की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसकी भी डायरेक्शन इधर, दोनों मिल गए। यानी क्या करेंगे, इस दीवार को और चौड़ा करेंगे। अब ये दीवार और चौड़ी होगी तो आपको पता है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और मजबूत होगा। और अगर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और मजबूत होगा तो विभव प्राचीर का मान और बढ़ेगा। तो और विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा तो बताइए ये क्वार्टर और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन कहां संयोग कर पाएंगे। और संयोग कब करेंगे, संयोग ये तब करेंगे जब एक दूसरे को, इस संधि को, जब ये क्वार्टर इधर जाए और इलेक्ट्रॉन इधर जाए तभी तो संयोग होगा। लेकिन बैटरी का कनेक्शन बेटा इस प्रकार से है कि क्वार्टर तो इस तरफ आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या कर चुके हैं, मुंह फेर चुके हैं। और जब दोनों एक दूसरे से मुंह फेर चुके हैं तो जब इनका संयोग कहां से होगा, और जब तक इनका संयोग नहीं होगा तब तक बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण पश्चिमी में धारा नहीं बहेगी। इसलिए कहा जाता है कि जब पीएन संधि डायोड बेटा पश्चिमी होती है उस स्थिति में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा नहीं बहती है। लेकिन आपको पता है पी क्षेत्र में माइनॉरिटीज में ये पढ़ाए थे, जब हमने पी क्षेत्र आपको पी टाइप टर्मिनल पर जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने बनाना आपको सिखाया था, वहां पर बताए थे कि पी क्षेत्र में या पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्वार्टर होते हैं लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए यहाँ पर कुछ कुछ अल्प में, जैसे अगर अल्प में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे, और एन क्षेत्र में अल्प में क्या पाए जाएंगे, क्वार्टर पाए जाएंगे। तो ये इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के लिए ये बैटरी क्या होगी, सहायक होगी। क्यों सहायक होगी, क्योंकि ऋण क्या करेगा इसको इधर की तरफ धक्का देगा, जिस कारण क्या होगा, कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होंगे ये क्या करेंगे, संधि को पार करके एक दूसरे से संयोग कर लेंगे, जिस कारण संधि में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जब पश्चिमी बैटरी होगी तब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहेगी जो माइक्रो एम्पियर में होगी, जो किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी। और आपने अग्रदिशिक में जो ग्राफ मैंने बताया था, उस ग्राफ में आपको मैंने बताया था अग्रदिशिक में जब पीएन संधि डायोड जब अग्रदिशिक होती है तो उसमें जो धारा बहती है वह एम्पियर में बहती है। एम्पियर में क्यों बहती है, क्योंकि बैटरी जो है अग्रदिशिक है और पश्चिमी में जो है जो धारा बहती है वह माइक्रो एम्पियर में बहती है। वो इसलिए बहती है क्योंकि जो धारा इसमें धारक में जो इस संधि डायोड में जो धारा का निर्माण हो रहा है वह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हो रहा है, ना कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। और जैसे जैसे संधि का ताप बढ़ेगा, खासकर किसमें, पश्चिमी में, जैसे जैसे संधि का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें विक्षोभ के कारण क्या होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या जो होगी पी क्षेत्र में और यन क्षेत्र में बढ़ेगी। और जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या पी क्षेत्र और यन क्षेत्र में बढ़ेगी तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा भी क्या होगी, पी क्षेत्र और यन क्षेत्र में पीएन संधि डायोड में बहेगी। इसलिए कहा जाता है पीएन संधि डायोड अगर पश्चिमी होती है तो वह ताप पर निर्भर करती है, ताप मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीएन संधि डायोड में कौन से कनेक्शन सही है, अग्रदिशिक है कि पश्चिमी है। तो आप ये बताइए, आपको जरूरत रखना कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे बताऊंगा। आप ये छोटा है, ये बहुत लंबा नहीं पड़ा, वो तो उसमें ज्यादा लगा समझाने में, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, आसानी से क्लियर हो गया खत्म। मैं जो चीज बता रहा हूँ एडवांस चीज बता रहा हूँ। आपसे पूछूं
कि पीएनसन डायोड अग्रदृष्टि के लिए बढ़िया मानी जाएगी कि पक्षदृष्टि के लिए, ये बताए किसमें धारा ज्यादा मिल रही है, तो आप बताओगे सर जब बैटरी का कनेक्शन अग्रदृष्टि का है तब धारा ज्यादा प्राप्त हो रही है, और धारा ज्यादा ही हमको चाहिए, कम नहीं चाहिए, इसलिए पीएनसन डायोड अग्रदृष्टि में बढ़िया मानी जाती है और पक्षदृष्टि में क्या होती है, बढ़िया नहीं मानी जाती। अगर आप बैटरी की ताकत लगातार बढ़ाओगे, मतलब जैसे 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट 0.5 वोल्ट बैटरी ताकत बढ़ाते रहो तो आप सोचोगे अल्प संख्यावाहकों की संख्या, जानते हो क्या होगा, जब पीएनसन में जब बैटरी की ताकत आप बढ़ाओगे, बैटरी की ताकत बढ़ाने मतलब वोल्टेज को आप बढ़ाते रहोगे, जानते हो क्या होगा, इस स्थिति में अल्प संख्यावाहकों की संख्या इसमें बढ़ेगी और धारा भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, यह पीएन संधि डायोड इतना गर्म हो जाएगा, गर्म होकर क्या होगा, यह क्रिस्टल टूट जाएगा, यानी यह पीएन संधि डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है। इसलिए कहा जाता है पीएन संधि डायोड पक्षदृष्टि में अच्छी नहीं मानी जाती है और अग्रदृष्टि में अच्छी मानी जाती है, इसलिए अग्रदृष्टि के ऊपर तमाम इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो पीएन ये पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा कि कौन सा प्रतिरोध अल्प लगाती है, अग्रदृष्टि पक्षदृष्टि, तो आप बताइएगा पीएन संधि डायोड में बैटरी का कनेक्शन अगर अग्रदृष्टि होगा तो वह अल्प प्रतिरोध वाली होगी, और अगर पक्षदृष्टि होगा तो वह क्या होगी, ज्यादा प्रतिरोध वाली होगी या बहुत अधिक प्रतिरोध लगाती है। इज इट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ ग्राफ में निरूपण के बारे में बात कर लेते हैं पक्षदृष्टि में। चलिए देखिए, हमने आपको पक्षदृष्टि बता दिया वायु चालन, अब मैं ग्राफ बताता हूँ पीएन संधि डायोड का पक्ष वोल्टेज और पक्ष धारा के बीच का बेटा ग्राफ। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, हमने वोल्टेज को दिखाने का प्रयास किया, इस तरीके से हमने ग्राफ दिखाया है, ये -2 -4 -6 -8 -10, इसका इसलिए -2 से मतलब नहीं है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पे लिया गया है इसलिए इसको माइनस दिया गया है, बाकी ये वोल्टेज 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, और यहाँ धारा को जो दिखाया गया है 2 4 6 8, ये माइक्रो एम्पियर में लिया गया, किसमें लिया गया है, देखिए आपको मैंने बताया, कंसेप्ट को जरा ध्यान दीजिए, जब बैटरी को पक्षदृष्टि किया जाता है तो पक्षदृष्टि करने पे क्या होता है, आपको पता है जो आपका बैटरी है, बैटरी का जो क्षेत्र है वह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई की क्या करता है, सहायता करता है, वह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई की क्या करता है, सहायता करता है, और आपको पता है यह जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ईआई है यह कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोग नहीं होने देता, किसका संयोग नहीं होने देता, कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोग यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र नहीं होने देता, लेकिन कौन से कोटर इलेक्ट्रॉन का, जो अधिक मात्रा में यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों का संयोग आंतरिक वैद्युत क्षेत्र नहीं होने देता, लेकिन जो संध के भीतर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, जो क्या हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, उनको तो यह मदद करता है, मदद करने का मतलब यह है कि जैसे पी क्षेत्र में आपको पता है इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और एन क्षेत्र में आपका कोटर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, उनको आंतरिक वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, मदद करता है कि आप लोग पार हो जाइए, आप थोड़े मात्रा में है, कहने का मतलब यह है कि आप थोड़े लोग हैं, आप एक काम करिए, हमारे लिए हमारे शहर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आर पार होने से, एक काम करिए आप आर पार हो जाइए, और ये बताइए जब आर पार होंगे तो आपस में संयोग करेंगे, और संयोग करेंगे तो क्या होगा, धारा का क्या होगा, निर्माण होगा। इसलिए देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है, धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, -2 -4 -6 वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, और ये जो धीरे धीरे जो धारा बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा ये धीरे धीरे आपकी जो धारा बढ़ रही है, देखिए ये देखिए धीरे धीरे धारा, यहां तक देखिए धारा जो है, यहां तक बेटा धारा देखिए 2 एम्पियर, ये 2 माइक्रो एम्पियर ही तक बनी हुई है, ये तो अचानक यहां से बढ़ी, कैसे बढ़ी मैं बताऊंगा भैया। तो धीरे धीरे जब वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे आपका धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन ये जो धारा बढ़ रही है ना, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बढ़ रही है, एक चीज ध्यान देना, ये धारा जो बह रही है, बढ़ रही है, यह अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बढ़ रही है, और ग्राफ में यह व्यवहार जो दिखाया गया है ओसी के द्वारा निरूपित किया गया, ओ से सी तक ग्राफ जो है काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक देखिए सी से धारा अचानक गिर गई, खूब तेजी से बढ़ी, यहां देखिए क्या हो गया, 8 हो गया 10 हो गया, मतलब इतना तेज, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप पक्ष वोल्टेज को बढ़ाते रहोगे
एक वोल्टेज ऐसा आएगा, मेरी बात समझना, एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पर संधि के समस्त कोवेलेंट बांड, मतलब संधि के ज्यादातर 95% जो सहसंयोजक बंध होंगे वो टूट जाएंगे। टूटने से क्या होगा, संधि के भीतर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी कि धारा अचानक क्या होगी, मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उनका संयोग तड़ातर तेजी से होगा, जिस कारण ये धारा बेटा जो होगी अचानक बढ़ जाएगी। तब ध्यान देना, वह प्रक्रिया जिस पर धारा अचानक बढ़ती है, तो एक हेडिंग बनेगी आपकी एवलांस भंजन। तो ये तो समझ गए होगे क्या होगा, आगे आप हेडिंग डाल लीजिए एवलांस भंजन लिख लीजिए इसको। पश्च दिशिक में वोल्टेज के अधिक हो जाने पर अल्पसंख्यक वाहक काफी अधिक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एवलांस भंजन, जो मैं लिखा रहा हूं ये लिखना। पश्च दिशिक में वोल्टेज के अधिक हो जाने पर अल्पसंख्यक वाहक काफी अधिक गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं, जिससे संध के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन और कोटर बड़ी संख्या में मुक्त हो जाते हैं, जिससे पश्च धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं। एवलांस भंजन का मतलब ब्रेकिंग। हेडिंग आ ली आप, एक लास्ट हेडिंग आ ली, पश्च वोल्टेज लिखिए। पश्च वोल्टेज बहुत आसान लिखिए, वह पश्च वोल्टेज जिस पर पश्च धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टता कहलाता है। आप ग्राफ में देख के बताइए किस वोल्टेज पे धारा का मान एकाएक बढ़ रहा है। देखिए 10 वोल्टेज पे, ये माइनस है लेकिन इसको 10 समझिए, यानी 10 वोल्टेज क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, भंजक वोल्टता होगा। मेरी बात समझ गए। अब आप सोचोगे सर जी 10 के आगे बढ़ा दे, 11-12 कर दे तो और तेज बढ़ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप? आपके दिमाग में होगा भाई कि 10 से हम 11 कर दें, 12 कर दें, 13 कर दें, वोल्टेज का मान और तेज बढ़ जाएगा। जानते हो क्या होगा, 10 से ज्यादा करोगे ना आपका पीएन संधि डायोड जय श्री राम हो जाएगा। इसीलिए पीएन संधि डायोड बढ़िया नहीं माना जाता है। इसलिए किसमें, हाँ एक चीज ध्यान देना, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना, ये जो धारा बढ़ रही है चाहे अचानक बढ़ी हो चाहे धीरे धीरे बढ़ी हो, या सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बढ़ी थी, और अग्रदिशित में जो आपने ग्राफ देखा था उसमें जो धारा अचानक बढ़ी थी वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बढ़ी थी, इसलिए अग्रदिशित ज्यादा बढ़िया माना जाता है। अग्रदिशित ज्यादा बढ़िया ही नहीं, अल्प प्रतिरोध वाला माना जाता है, और पश्चिशित जो होता है वह उच्च प्रतिरोध वाला माना जाता है। चलिए तेजी से मैं एक चीज बता देता हूँ, पीएन संधि डायोड का सिंबल आप नोट कर लीजिए, पीएन संधि डायोड का सिंबल प्रतीक, पीएन संधि डायोड का प्रतीक कुछ नहीं है, इसी को आप याद रखिएगा, प्रतीक बहुत काम आएगा, ये प्रतीक है, इसको पी बोलते हैं, इसको ये जो है इसको यन कहते हैं, यही सिंबल है, नोट कर लीजिए इसको, इसको क्या कहते हैं, और इधर को एनोड कहते हैं, ये एनोड है, ये जो है आपका
कैथोड है, ये क्या है एनोड है, ये आपका पीएन सजावट का क्या है बेटा सिंबल है। जल्दी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो आज हमने पूरी तरीके से, थोड़ा लंबा लेक्चर हुआ होगा मेरा, घबराइएगा नहीं। और लास्ट में आपको यही बताऊंगा, आपको वीडियो तभी अच्छे मिलेंगे जब आपको वीडियो तभी अच्छे मिलेंगे, आपको वीडियो तभी अच्छे मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि वॉच टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, 10 दिन में मिला के एक वीडियो को वॉच करोगे, उसके बाद कहोगे सर जी वीडियो नहीं आ रहा। आप वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को एक बार वॉच करें, नहीं सर फिर से वीडियो को वॉच करो, और कोशिश किया करो वीडियो को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने का प्रयास किया करो। आप क्या करते हो, डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड कर ले, मुझे नहीं पता चल पाता कि मेरा वॉच टाइम भी बनना जरूरी है। और लास्ट में आपको यही बात कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, 10th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है, जो बच्चा आपके घर में या बगल में 10th क्लास वाला हो तो उसको मेरे फिजिक्स की वीडियो को तो आनंद मिल ही रहा होगा, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।